हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व कर रहे हैं। पेन कॉपी लेकर रेडी रहो और बनाते चलो फटाफट। द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स 62, 30 एंड 18 सेंटीमीटर दिया, मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ 62, ब्रेथ 30, हाइट है 18 आपका, एक्सटर्नल दिया है। इफ द बॉक्स इज मेड 2 सेंटीमीटर थिक वुड, 2 सेंटीमीटर थिक वुड है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी मीन्स आपको इनर वॉल्यूम निकालना है। तो फटाफट देखो बच्चों, हम गिवन डाटा लिख रहे हैं आपका, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो चलिए गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेंथ दिया है आपका 62 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉक्स आपका जो है क्लोज बॉक्स है, एक्सटर्नल ब्रेथ आपका 30 सेंटीमीटर है और जो एक्सटर्नल हाइट है बच्चों 18 सेंटीमीटर है। गिवन डाटा हो गया, थिकनेस आपका 2 सेंटीमीटर का है, तो आपको कैपेसिटी बोला है बच्चों, ठीक है, निकालने। तो कैपेसिटी जब बोला है तो हम लोग को इनर वॉल्यूम चाहिए, इसलिए आउटर वॉल्यूम निकालने का ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। तो हम लोग देखो, इनर वॉल्यूम के लिए टोटल डायमेंशन हम लोग का इनर चाहिए, तो इनर लेंथ को हम लोग स्मॉल एल लेते हैं। तो आपको ये 62 में डबल कर देना थिकनेस का, तो थिकनेस आपका जो है बच्चों 2 दिया है, तो ये 62 में आप 4 माइनस कर देना, ठीक है, तो आपको 58 सेंटीमीटर लेंथ निकल गया। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इनर ब्रेथ निकाल लेते हैं स्मॉल बी। तो ब्रेथ आपका 30 है, 30 में थिकनेस का डबल कर देना है आपको, तो 30 में आप 4 माइनस कर दो तो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनर हाइट निकाल देना बच्चों, फटाफट निकालते चलोगे, ठीक है। तो इनर हाइट हम लोग एच निकालेंगे, आपको आउटर देखो 18 दिया है, थिकनेस का डबल कर देना, थिकनेस 2 है, 18 में 4 माइनस कर देना तो आपका ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो कैपेसिटी बोला है ना, तो कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ठीक है, जिसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, एल बी एच, ये मल्टीप्लाई कर देना। तो लेंथ तुम्हारा 58 है, 26 है, इंटू 14 है, मल्टीप्लाई करो फटाफट, ठीक है। तो 2 1 1 1 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, क्वेश्चन का यही आंसर है निकल गया। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट्स जरूर करोगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू।